हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि क्या ये कितना ज्यादा डेंजरस साबित होगा और साथ साथ में चाइना जो है वो इसको लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो मिलिटरीली जो कंट्री स्ट्रांग है आज, वो अगर टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी स्ट्रांग होगा तो इंडिया के लिए कितना कंसर्न होगा। और साथ साथ में हम देखेंगे तो ग्लोबल रिसेशन भी चालू है, जहां पे आप देखोगे तो ग्लोबल डेट क्राइसिस देखने को मिल रहा है। उन सब के बीच में जो लेऑफ्स की भी बात चल रही है कि सिर्फ मई मंथ में अब तक आप देखोगे तो 80,000 से ज्यादा लेऑफ्स आपको देखने को मिल चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब भी इसकी बात होती है दो पक्ष के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, एक जो सपोर्ट करते नजर आएंगे कि हाँ एआई आएगा तो लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि एआई जो आएगा वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा और बहुत सारे लोग जो है वो जॉब लॉस के शिकार होंगे। तो इसी चीज को हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो presented by me Rajat Dubey। तो यहां basically आप Mint का article देखेंगे कि layoffs in US of over 80,000 job cuts सिर्फ May month में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 4,000 के आसपास जो लोग हैं वो fire हुए tech sector में AI के वजह से। देखिए कहीं ना कहीं ये बात जो है वो अपने आप में आपको देखने को मिल जाएगा कि अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ऐसा नहीं है कि बैलगाड़ी जो है वो चलना बंद हो गया, तो जो बैलगाड़ी चलाता था अगर वो फोर व्हीलर को अडॉप्ट कर लिया तो फिर तो उसकी जॉब रह गई, लेकिन जो अडॉप्ट नहीं कर पाया उसका तो जॉब चला गया। तो अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज के साथ में यहाँ पे हम देखेंगे तो इलॉन मस्क जो कि अपने आप में रिचेस्ट पर्सन है और आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एडवेंचरस पर्सन है, वो इंसान भी आपको देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने कहा है एआई को कि ये प्रोफाउंड रिस्क है सोसाइटी का। तो उन्होंने अभी पॉज करने के लिए भी कहा है कि एटलीस्ट 6 महीने तक हम पॉज करते हैं, हम देखते हैं कि इस तरीके से चीजें हैं, उसके बाद इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो जब इलॉन मस्क जैसे पर्सन का भी इस तरीके से कहना है, साथ साथ आप देखोगे तो सैम ऑल्टमैन जो कि बेसिकली आपको जो ओपन एआई है उसके सीईओ है, जिन्होंने हाल ही में हमने इसके ऊपर वीडियो करा था कि इन्होंने बोला कि भारत के पास इनोवेशन की कमी है, भारत जो है वो इस तरीके से एआई वगैरह डेवलप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे इन्होंने भी बोला कि मतलब एआई जो है वो जॉब्स तो लाएंगे लेकिन पुराने जो है वो खत्म हो जाएंगे। और साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल सेम बात इन्होंने भी दोहराया है कि हमें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, हर चीज पे हम रेगुलेशंस नहीं ला सकते। इवन गूगल से लेकर के बड़ी बड़ी जो टेक जाइंट्स हैं वो भी इस चीज को लेकर के कंसर्न है। तो इसी चीज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली एआई जब भी हमारे दिमाग में आता है तो चैट जीपीटी तक ही सीमित नहीं है, उसे कहीं गुना ज्यादा है। यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, अगर आप डॉग लवर्स हो, आपने एक वीडियो देखा, आपने लाइक किया, तो यूट्यूब आपको एल्गोरिदम उसके हिसाब से ही वीडियोस जो है आपके फीड में सजेस्ट करेगा। आप गूगल मैप का इस्तेमाल करो, आप कहीं पर भी हो, आप गूगल मैप में जा रहे हो तो अब आप क्योंकि उस लोकेशन पे हो तो आसपास का जो भी आपको होटल्स वगैरह या जो भी आपको खाने पीने की फैसिलिटीज हैं वो दिखाने लग जाएगा। साथ साथ आप देखोगे कोई क्वेश्चन आप सीरी से, अलेक्सा से, इन सबसे आप पूछ रहे हो, उसका जो आपको आंसर मिल रहा है वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में जो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट वगैरह होता है, आपका जो मोबाइल फोन है वो आप फेस आईडी से जो अनलॉक कर रहे हैं, तो ये सब के सब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो भी आपको आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ वर्क है उन सब में अपने आप में एक एआई का एल्गोरिदम सेट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक ट्रॉली प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करता है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इस चीज को लेकर के संकेत दिया कि कहीं ना कहीं ये एक ट्रॉली प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देगा। अब ये क्या ट्रॉली प्रॉब्लम है, तो बेसिकली आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जो ड्राइवरलेस कार्स हैं, अब ये जो भी कार्स हैं जहां पे ड्राइवर की जरूरत नहीं है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं उसमें मान लो कि आप बैठे हुए हो, ठीक है, अब जो इंसान बैठा है रोड पर वो गाड़ी चल रही है और अचानक से बच्चे आ जाते हैं उनको मतलब बॉल लेने के लिए या किसी भी प्रकार से, अब वो कार जो है वो सडनली मतलब एक्सीडेंट अगर होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। अब अगर ड्राइवर होता तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे होती, लेकिन यहाँ ये किसके ऊपर होगा, गाड़ी के ओनर के ऊपर होगा या गाड़ी को जो रेगुलेट करने वाली कंपनी है उसके ऊपर होगा या फिर उसका मतलब सड़क पे जो सरकार है जिसकी उसकी होगी। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है जो किसी के ऊपर नहीं जाएगा। तो अगेन ये ट्रॉली प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आपको देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ज़ीनोबॉट्स वगैरह की, तो कहीं ना कहीं ज़ीनोबॉट्स जैसे रेप्लिकेट करते हैं ये आपको रोबोट्स ही देखने को मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल फिलहाल के लिए मेडिकल सेक्टर में किया जाने की बात हो रही है कि मतलब जो हमारे ब्लड सेल्स में जो भी हमारा मतलब डिजीज वगैरह है जहां पे मतलब टेक्नोलॉजी अभी उस हिसाब से नहीं पहुंच पाई है, तो ज़ीनोबॉट्स का इस्तेमाल करके उस चीज को डिलीवर करने की बात हो रही है। लेकिन यही सेम ज़ीनोबॉट्स मिलिट्री में भी यूज किया जा सकता है, यही सेम ज़ीनोबॉट्स आपको देखने को मिलेगा कि इसका डिसएडवांटेजियस पोजीशंस में भी यूज किया जा सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो IBM ने भी कहा है कि वो हायरिंग करना जो है वो बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहानी बताया जा रहा है। साथ साथ आप देखोगे तो गूगल ने फायर भी कर दिया उस इंजीनियर को जिसने ये कहा कि जो AI है वो अपने आप में कॉन्शियस है, रिस्की है, एक सोल है। तो जब मतलब कहीं ना कहीं गूगल के खुद के इंजीनियर ने ये बात को रखा और गूगल ने उस इंसान को फायर भी कर दिया। तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो। साथ साथ में ये यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रेंड हो चुका है कि एक गेमिंग कंपनी है जिसने AI बॉट को ही नया अपना CEO बना दिया है। तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में। अब आपको देखने को मिल जाएगा कि आज के टाइम पे जो कंपनीज हैं उनका जो फोकस है वो AI पे है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करने का सोच रहे हैं रादर देन कि मैन पावर को हायर करना, फिर उनको ट्रेन करना, उनको सैलरी देना। तो उन चीजों से वो बेटर समझ रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी को अडैप्ट कर लेना। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का आप पॉजिटिव समझ रहे हो तो उसका कॉन्स भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये कुछ उसके रूल्स भी हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि रोबोट का किस तरीके से एग्जिस्टेंस होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है ऑलरेडी हमने बताया कि चाइना, तो चाइना जो है वो ऑलरेडी 450 बिलियन US डॉलर्स का जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है R&D के ऊपर, जिसमें से 17 बिलियन US डॉलर्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो डेट लेकर के वो AI के ऊपर भी उतना ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत जो है वो 1980s में हम इंफोसिस के लिए मतलब कंप्यूटर के लिए हमें बहुत मुश्किल हो रहा था, चाइना उस वक्त भी बहुत एडवांस्ड था और आज वो AI को लेकर के भी बहुत ज्यादा आगे है। साथ साथ आप देखोगे तो इनका टारगेट है कि 2025 तक 22 बिलियन डॉलर्स का और 2030 तक 147 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और साथ साथ में चाइना आप देखोगे तो बाइडू इनका खुद का है जो बार्ट की तरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी ये डेवलप कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। साथ साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 800 मिलियन स्मार्टफोन्स जो है यूजर्स वो आपको चाइना में देखने को मिल जाएंगे। अब जब भी आपको बात चाइना की आती है तो हमको पता है कि चाइना में जो फ्रीडम है वो एक्सिस्ट नहीं करता है, तो जो यूजर्स हैं वहां के उन सबका डेटा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे चाइनीज गवर्नमेंट के पास में होता है। साथ साथ आप देखोगे तो चाइना में 1.4 मिलियन स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि मेजॉरिटी जो है उनको इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी नहीं है। अब जस्ट बिकॉज की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो फॉरेन नहीं जा सकते हैं, अब उनको चाइना में ही काम करना होगा। तो इस प्रकार से इन चीजों को एमलगमेट करके डेटा प्राइवेसी जो है उसके साथ खिलवाड़ हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि भारत में भी कहा जाता है कि जो चाइनीज कंपनीज हैं स्मार्टफोन्स की वो डेटा ब्रीच करते हैं, डेटा जो है वो चाइना इस्तेमाल कर लेता है अपने हिसाब से हम भारतीयों का। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी और ये कहीं ना कहीं डार्क रियलिटी भी आप देख सकते हो AI का, जहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से तस्वीरें बनाता है। अब आप यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का इमेज उनको दिया गया है। साथ साथ में आप यहाँ पे USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, तो अरेस्ट की जब बात हो रही थी अरेस्ट हुए भी नहीं, लेकिन इमेजेस इस प्रकार से आ गई मानो मतलब एक बार में कोई अगर देखे तो वो तुरंत विश्वास कर लेगा कि यहाँ मतलब ज्यादा कोई अगर दिमाग नहीं लगाएगा, और दिमाग लगा पाना बहुत मुश्किल है, ज्यादा आप डिफरेंशिएट कर भी नहीं पाओगे, तो ये तुरंत इंसान मान लेगा कि हाँ चलो अरेस्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर के समय में यूक्रेन के प्रेसिडेंट का भी एक वीडियो बना करके बोला गया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम रशिया से माफी मांग रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि वर्ल्ड लेवल पे भी इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल बन जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज इसका यूज कर सकती हैं कि उस लीडर ने ये बोला, इस लीडर ने वो बोला, तो तमाम प्रकार की चीजें जो है वो यहाँ पे क्वेश्चंस रेज करती हैं। साथ साथ आप देखोगे तो हमारे यहाँ भी जब रेसलर्स प्रोटेस्ट हो रहा था तो इसमें भी आप देखेंगे ओरिजिनल जो तस्वीर थी जब रेसलर्स को पुलिस डिटेन करके ले जा रही थी और बाद में उसको मैनिपुलेट करके किस तरीके से दिखाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी तस्वीरों में ये स्माइल देखिए कि मतलब उस चेहरे को जो चेहरे में आपको गमगीन चेहरे दिख रहे हैं उस चेहरे पर भी मुस्कान जो है वो देखते हुए इसको लेकर के भी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हुआ। तो इस प्रकार से AI जो है वो मैनिपुलेशन कर सकता है। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने इसको लेकर के एक एक्ट भी बनाया है जो अपने आप में पहला एक्ट होगा जो रेगुलेट करने की बात कर रहा है, क्योंकि रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प तो कर सकता है लेकिन इसका एक रेगुलेशन नहीं होगा तो ये बहुत आगे तक जा सकता है, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। साथ साथ हम बात कर लेते हैं इलॉन मस्क का, ऑलरेडी हमने देखा कि इनका क्या व्यू पॉइंट है। साथ साथ यहाँ पे आप सैम ऑल्टमैन को भी देख सकते हो, इनका भी जो स्टैंड है। और चाइना ऑलरेडी आप देखेंगे तो सिनो वियतनामीस वॉर जो है 1979 का, उस वॉर को वो हार चुके थे चाइनीज सोल्जर्स। तो चाइना जो है वो बेसिकली आप देखोगे तो मिलिट्री स्ट्रेंथ में वो टॉप मोस्ट में आते हैं जरूर, लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, डिफिकल्ट टेरेन में वॉर लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। इस वजह से आप देखोगे तो आज वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, तो इसीलिए इंडियन ओशन वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कि वो आए दिन जो भी सबमरीन्स वगैरह है वो भेजते रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं पता लगाते रहे, एक सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। तो इसलिए अब अगर वो AI का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो वो चैलेंजिंग होगा। साथ साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ रूल्स का, तो हमें इस चीज़ का चेक होना चाहिए कि ये बेसिकली फास्ट हो, लेकिन फास्ट के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि
लिमिटेशंस भी होना चाहिए इसको लेकर के, ऐसा नहीं है कि फ्री फ्लो हो, कोई भी इसको रूल्स को मतलब गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करे तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। हालांकि भारत में भी आप देखोगे तो IIT गुवाहाटी जो है उन्होंने रोल कर दिया है कि एक ऑनलाइन वो बैचलर ऑफ साइंस BSc ऑनर्स का एक डिग्री ला रहे हैं जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होगा कोर्सेरा में, और ये बेसिकली रीसेंट आर्टिकल है। तो इस तरीके से भारत सरकार भी जो है वो अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ देखिए भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है एंड दैट टू की यंग पॉपुलेशन है, तो अगर हम उस ह्यूमन कैपिटल को सही दिशा दे सकेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा कि हम अपने भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन, वैसे भी टॉप मोस्ट CEOs आपको भारतीय ही देखने को मिलेंगे, तो हम उस तरीके से इस इंडस्ट्री को अडेप्ट कर पाएंगे और सही समय पर क्या निर्णय लेना है उसके हिसाब से हम फैसला कर पाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में ब्लैक मैटर है। अब इसको लेकर के कितना हम डिस्कवरीज करते हैं, क्या पोटेंशियल है, इन चीजों को हमने डिस्कस किया है, चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। साइबर थ्रेट बहुत बड़ा एक चैलेंज खुद में है और ये अगर नया आता है तो इस चीज को हैंडल करना वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो लेट्स सी कि टाइम किस हिसाब से चीजों को लेकर के चलता है, लेकिन हमको इसको हल्के में भी नहीं लेना है और कोशिश करना है कि इस तरीके से मतलब लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कि इसका इस्तेमाल सही दिशा में भी हो सकता है, लेकिन इसको अपने साथ साथ अपडेट करके। तो ये हमारा इस वीडियो से था, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर भी करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।